सो फाइनली दोस्तों आज के व्लॉग कर दिया हम लोगों ने स्टार्ट, और आज जो है बहुत गुस्से के अंदर हूँ। 6 बजे उठे, कौन उठा है इधर ना तेरा सामने, कौन उठा है? हाँ मैं आज 1 बजे से उठा हुआ, दोपहर 1 बजे से, और ये मैडम पता कब उठी है? आज आ रही हूँ जैसे मजे से सोई हुई, 6 घंटे से मैं इंतजार कर रहा हूँ उठने का, अपने काम में लगा हुआ था मैं, क्या बोलते हैं भूख लग गई, अब क्या करो। फिर मैंने बोला भाई चलो अब बनाओ नाश्ता, मुझे खिलाओ, क्योंकि आज जो है मैं नया चैलेंज लेने वाला हूँ। तो मैंने काफ़ी व्लॉग्स देखे, काफ़ी नई नई एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ें सीखी है, जो कि आप लोग की कंप्लेंट्स आती है सारी सुधारूंगा, और आज से डेली व्लॉग्स पे आ जाऊँगा और यहीं से कंटिन्यू करूँगा मैं। यहीं से पता है क्या कंटिन्यू करूँगा मैं, 1 साल तो साथ देने के लिए तैयार हूँ। 1 साल का डेली व्लॉग चैलेंज, लेकिन कंप्लीट। अच्छा सुनो, अपने चैनल से व्लॉग अपलोड एक फेवर है ना, क्योंकि हम लोग के 33 व्लॉग तो हो चुके हैं, 34 अभी अपलोड कर रहे हैं, यहीं से ये चीटिंग है, स्टार्ट करने तो अभी से करो। नहीं नहीं पूछ लो, किसी से भी पूछ लो, अगर कोई बोल दे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज 34वां व्लॉग अपलोड होगा और यहाँ से मैं काउंट करना शुरू करूंगा पूरे 1 साल के 365 व्लॉग, तो साथ रहें और व्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आज जो है मुझे अपनी बीवी से लेनी है पीसी, तो आज मैं इसको फ्रेश व्रेश करके खुद इसके दांत वात ब्रश करवा के सब करा के, अभी ये देखो रुक जाओ मैं से बीसी लेता हूँ अपनी, क्योंकि यार 20 तारीख को खुल रही थी, आज 21 हो गई, एक दिन लेट कर दिया। हालांकि जब लेने का 5000 रुपए देने थे जिसमें से 3 आप ले गए थे, मैं रुपया भी नहीं दूंगा, मुझे मेरी बीसी दो, इधर आओ, चलो आओ 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 ब्रश करवाओ, आओ वाह लाओ दांत दो अपने। गिरा दिया, मैं तो नहीं कर रहा, ये लो भाई ब्रश जाके करके आओ फटाफट, जबरदस्ती ब्रश करवा रहा। अच्छे कपड़े पहनो, तैयार हो, इनको सोलजा बाजार में लेके जा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इससे बीसी जमा कर रही है, फिर मुझे देनी है, क्योंकि आज मेरी बीसी है। सही है, फटाफट तैयार हो, आज का ब्लॉग लेकर मजा करवाता हूँ। फाइनली दोस्तों अभी मैं बहुत थक के घर आया, और मैं कहाँ गया था और क्या कुछ हुआ सब चीज़ें मैं आज आप लोग को ब्लॉग के अंदर बताता हूँ, और आप लोग को एक बहुत ज़रूरी बात शेयर करनी है, तो साथ रहें। और आज से हम लोग 1 ईयर चैलेंज स्टार्ट करेंगे अपना, पहले आलू बेगम नाश्ता, और नाश्ता वाला खाना ले आइए मेरे लिए, और सर में बहुत भी दर्द है, टेंशन दिमाग पर घूम रही है, तो थोड़ा सा मैं क्या बोलते हैं ये खा के फिर आप लोग से थोड़ी सी अपनी बातें करता हूँ। तो दोस्तों आज मैं निकला हुआ था, क्या बोलते हैं, सारा दिन जो है पार होने के लिए, अब जो है मेरे सर पे है बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ, जो कि आप लोग सबको पता है, जो मेरे डेली लोग देखते हैं, वालिद सर पे है नहीं, वालदा है, छोटा भाई है, उससे छोटा भाई है, अलीना है, ये मेरी पूरी फैमिली है, सही है ना। अब इन सब की जिम्मेदारी किस पे आ गई मेरे को, और हमारे मुल्क के हालात वो हैं कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ, किस तरीके से इंसान को घर चलाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, क्या नहीं करना पड़ता, वो सब चीज़ें तो अपनी जगह इंसान चलो कैसे भी अपना घर चला लेता है, और हर चीज़ में मदद करने वाली ज़ात तो सिर्फ अल्लाह पाक के, इसके अलावा मैं किसी को भी नहीं मानती कि कोई किसी की हेल्प करता हो, मदद करता हो, सब अपने फ़ायदे के लिए होते हैं। ये मेरे को एक नसीहत मिली है ज़िंदगी के अंदर, कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एक ब्लॉग में ये शेयर किया कि क्या बोलते हैं ना, भाई का वो करा दे तो उसका हो गया होगा काम, नहीं हुआ अब तक, अब तक मैं ख्वार हो रहा हूँ। मैंने खाली इतना मैसेज डाला था कि अगर कोई दुबई से है, किसी के रेफरेंस पे है, तो कोई मेरे छोटे भाई की नौकरी का करवा दे, कि किस तरीके से हमने उसे भेजा वो हम जानते हैं। अभी 4 दिन से मानो कि बाइक क्या बोलते हैं वहाँ खड़ी है मैकेनिक पे, हम दोनों भाई एक बाइक पे घूम रहे हैं, सही है, वो हम लोगों ने अब तक नहीं उठाई, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क की महंगाई है, हालात है, बाइक का हल्का सा खर्चा था वो 4500 रुपये भी चला गया, खाली चलते चलते बंद हुई, वो बोला 4500 रुपये खर्चा। अब एक सोचने की बात है कि 4500 रुपये आज के वक्त के अंदर कोई आसानी से कमा सकता है, ये बताओ आप। मैं जो है आप बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, चैलेंज स्टार्ट कर दें सर भाई सब कर दें, मैं आप लोग से किसी चीज़ की कोई वो नहीं मांगता हूँ कि आप लोग भाई मेरे लिए कोई और मदद करें। लोग बोलते हैं कि सर भाई हम आपके लिए आपको मोबाइल गिफ्ट करेंगे, ऐसा भाई हम आपको माइक गिफ्ट करेंगे, हम आपको ये करेंगे कि आपकी आवाज़ का मोबाइल में मसला है, ये मसला है, वो मसला है, एडिटिंग सही करें। एहसन भाई के साथ सिर्फ इतना कर दें कि एहसन भाई को सिर्फ सपोर्ट कर दें, और किसी चीज़ की नहीं चाहिए, जो भी बोलता है करता कुछ भी नहीं है, बस अपनी स्टोरियाँ लगवा लेते हैं अपनी, वो करवा करवा के क्या बोलते हैं कि हमारे को यूट्यूब पे मेंशन कर दें, हमारे को वहाँ मेंशन कर दें, सब गायब हो जाता है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मेरी वालिदा के साथ आज से 1.5 साल पहले जो स्कैम हुआ था, वो आज तक वो थाने के चक्कर काट रही है, हमारी पुलिस कैसी है,
कि मैं कभी भी ये वादे नहीं शेयर करी आज कर रहा हूँ, क्योंकि डेढ़ साल आप सोचे, पाँच महीने हमारे क्या बोलते हैं वैसे लग गए, लड़ाई झगड़े करके देख लिया, सब कर लिया, फिर पुलिस तक चले गए, सही है ना। पुलिस में छः महीने गुजर गए, छः महीने आप सोचें क्या बात है। अब वो केस कहीं जाके एक बंदे पे एफ आई आर कर, दूसरे पे तो काट ही नहीं रहे कि, हालांकि वो बंदा खुद बयान लिख करके, दूसरे पे तो काट ही नहीं रहे भाई। अब क्या मसला है क्या नहीं है, पैसा चलता है जो चलता है, हम लोग दे नहीं सकते जो बात है, क्योंकि वो काम ही गलत है। कल को दे के दे देंगे तो उससे ज़्यादा बुराई हमारे सर पे आ जाएगी, कि गलत चीज़ तो फिर गलत है ना। अब जाके बोला ये केस कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में कितना घसीटा जाएगा। मेरी वालदा ने नेकी करके वो फंस गई, वो डेली परेशान होती है, हालांकि वो बोलती है, मैं बोलता हूँ छोड़ दो पैसे यार, अल्लाह ताला इससे ज़्यादा देगा। बोला नहीं, इन लोगों ने मेरी इतना वक्त मेरा ख्वार किया है तो मैं इनको सज़ा दिला के रहूँगी। अब सज़ा कौन देगा आप मुझे बताओ, कानून देगा, कानून तो हमारे मुल्क आप लोग जानते हैं। बस ये आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई मदद नहीं करा करें, सिर्फ इतना कर दिया करें कि इस ब्लॉग को शेयर कर दिया करें और साथ दे दें बस, सही है ना। ये मोबाइलों की और ये दूसरी चीज़ों की बातें करके कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई कर नहीं पाता किसी के लिए भी जब तक किसी का कोई अपना मुफाद ना हो, फ़ायदा ना हो। जो भी कोई बात है मैं अपने लिए खुद करूँगा, जब मेरे ब्लॉग्स चलेंगे, जब मेरी चीज़ होगी, मेरी अर्निंग होगी। यूट्यूब पर आप सबको पता है अर्निंग के लिए कर रहा हूँ, और आज नौकरियाँ आप लोग बोलते हैं, नौकरी कहाँ है आप मुझे बताएं। मानो के लेके सारा दिन मैं घूम रहा होता हूँ सीवी उसकी लेके, हुसैन इधर जॉब करता था, सुपरवाइज़र था, लेकिन उसको सैलरी क्या मिलती थी, 20-22 हज़ार रुपये, जिसके अंदर तो उसका पेट्रोल ही आने जाने का पूरा हो जाता था। तो उसको यहाँ से हम लोगों ने उधर भेजा, इतने पैसे लगा के सब करके। तो मैं इस सारी चीज़ों परेशानियों से, सारी चीज़ों से निकलूँ ना, तो मैं सुकून से अपना डेली कैमरा निकालूँ, अपनी ब्लॉगिंग करूँ, सारी चीज़ें हंस खेल के बात करूँ। एक दिन मैं करता हूँ और दूसरे दिन मेरे सर पर दूसरी पंचायत आ जाती है। तो बस आप लोग से जो भी देखें अच्छा बंदा है, अगर कोई वाकई है, कोई स्कैम नहीं है, फ्रॉड नहीं है, तो अल्लाह पाक तो देखो उसे देख रहा है, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है और इंस्टाग्राम पे, और अगर भाई की नौकरी वो करवा सकता है तो मेरे से लाजमी रब्ता करे, वरना कोई भी ना करे। और जो वाकई अगर मेरी कोई हेल्प करना चाहता तो उस ब्लॉग को मेरे शेयर कर दिया करें, और अपनी तरफ जितना हो सके उसको आगे बढ़ा दिया करें, सही है। बाकी अब जो है चैलेंज ले लिया है मैंने 1 साल का, और आते रहेंगे डेली व्लॉग्स आपके साथ, और इंशाल्लाह सारी परेशानी को पीछे छोड़ के ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, क्या बोलते हो? क्योंकि जब इन लोग का साथ है, इन लोग के हंसते चेहरे मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी चीज़ की परेशानी नहीं है, सारी परेशानियाँ मैं छोड़ देता हूँ और बाहर छोड़ के आता हूँ। आज बीवी के सामने बोलूँ तो ये भी और परेशान हो जाएगी, तो मुझसे वाली बात नहीं, कभी कभी इंसान को शेयर कर देनी चाहिए, वरना इंसान अंदर रख रख के ना अंदर से खोखला हो रहा होता है। तो मैं आप लोग से कुछ भी नहीं छुपाता, जो हूँ सामने हूँ, और सारी चीज़ें सारी बता देता हूँ आप लोगों को। बस सपोर्ट करते रहे तो ज़िंदगी में बहुत आगे जाएंगे। बाकी अल्लाह पाक आप सबकी भी परेशानियाँ दूर करे, आप लोग सबके दिल के अरमान पूरे करे, और जो जो जिससे मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उसका निकाह करा दे। क्योंकि अलीना और मैं एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, इसको मैं जो बोलूँ, जैसा वक्त है सब मेरे साथ गुजारा कर रही है, और ऐसी लड़की होनी चाहिए जो हर वक्त में आपका साथ दे, हर चीज़ के अंदर गुजारा कर ले, सही है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, दुआओं में याद रखना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।